दर्द तुम्हारा बदन में मेरे जहर की तरह उतर रहा है। स्क्रीन पर जेंटलमैन आशिक की बत्ती लगने वाली है, क्योंकि कबीर भाई की आशिकी बहुत चीरफाड़, तोड़ताड़ और जबरदार है। कबीर सिंह के ट्रेलर में लाउड एंड क्लियर है कि ब्रो, मोहब्बत में ठुकेला आशिक फुलटू हटेला हो जाता है। चरस, गांजा, दारू, सिगरेट, टोटल नशापत्ती करते शाहिद कपूर ने जो तेवर और अपना फ्लेवर कबीर सिंह के कैरेक्टर में डाला है, उसे देख के अपने ऑफिस में सबके ये हाल है। मुद्दे की बात, कबीर सिंह है रीमेक तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का। अभी जो लोग अर्जुन रेड्डी देख चुके हैं उनके एंगल से बोले तब भी ट्रेलर फाड़ है एकदम, और जिन्होंने अर्जुन रेड्डी देखी ही नहीं वो तो शाहिद को देख के एकदम हिल गए हैं बॉस। और सबसे गदर चीज है वो गाना जो ट्रेलर के बैकग्राउंड में बज रहा है, अगर तुझमें ही मेरे लिए वैसा पागलपन है देन कॉल मी अदरवाइज यू नो मी। बॉलीवुड में अपन ने लव स्टोरीज देखी है, हट के लव स्टोरीज देखी है, लेकिन कबीर सिंह एकदम हटेली लव स्टोरी है, एकदम खालिस, खुन्नस भरी और किलर। कहानी बेसिकली वही छे, लड़का लड़की, कॉलेज क्लास, प्यार व्यार, मार मार और फिर ट्रेजेडी की भरमार। लेकिन चेंज क्या है, लौंडे का तेवर। लौंडे को प्यार है प्रीति से और प्रीति का कैरेक्टर प्ले कर रही है कियारा अडवाणी। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि कियारा लग तो रही है इस लायक कि उनकी मोहब्बत में कोई लड़का ऐसे लुटपिट जाए। मतलब प्रीति ना हुई भाई साहब बवाल हो गया, प्रेमी प्यारे के जी का जंजाल हो गया। कबीर सिंह के ट्रेलर में सबसे मजेदार बात है कि ये रीमेक फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल नहीं लग रहा, डायलॉग्स वगैरह सब एकदम टिप टॉप, एकदम टंच है। इस गुस्से को लेके क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? Not a rebel without a cause, sir. संदीप रेड्डी वंगा ने ही अर्जुन रेड्डी डायरेक्ट की थी और वही डायरेक्ट कर रहे हैं कबीर सिंह, इसलिए बस कहानी की लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन फ्लेवर और फील पूरा मेंटेन है। अब पूरी फिल्म में दम है कितना ये तो पता चलेगा 21 जून को फिल्म की रिलीज के बाद।